गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई रात को मैंने इधर ही सोया था, ठीक है, मतलब कि बहुत साल हो गया, लगभग 4-6 साल के बाद ही मैं यहाँ पर सोया, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि इससे भाई, ठीक है। तो इतना डर गया कि पूछिए मत भाई। रात भर 2 बजे तक हमारे पप्पी वो ये सब भूखे भाई, इसको देखकर भूख रहे थे कि पता नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सोया नहीं, लगभग टोटल मैं 3 घंटा से सोया, ठीक है, इधर ही। इसके बाद सुबह सुबह 6 बजे उठ गया भाई, ठीक है। पर अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ यार। देखते हैं, अगर होता है तो धर्मगढ़ जाएंगे भाई, थोड़ा मोड़ा काम है, अगर नहीं होता है तो नहीं, शाम को प्लानिंग है। और कुछ भी नहीं खाया हूँ मैं अभी तो भाई। आज फ्राइडे है और आज है बड़ा सा मार्केट जो कि है धर्मगढ़ में भाई, ठीक है, एनिमल मार्केट और ऐसा सब्जी मार्केट, सब्जी मंडी भी लगता है भाई वहाँ पर। हाँ ना, माछ है आधा किलो, छोट माछ के भाई, ये मछली है, ठीक है, पूरा जिंदा है भाई। भाई सुबह सुबह भी यार इतना मतलब कि धूप पूछने मचती है बहुत ही ज्यादा भाई, और बारिश के महीने में ना इस तालाब में पूरी तरह से पानी फुल हो जाता है, ठीक है। तो भाई पहुंच गए हैं धर्मगढ़। आज मतलब कि आज बहुत ज्यादा भीड़ हुआ क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट है भाई। ये देख सकते हो राइट साइड में ना, ये फिश मार्केट है भाई। थोड़ा सा यहाँ पर आगे मार्केट है लेकिन यहाँ पर फिश लगा है, ठीक है, बहुत सारा फिश मिल जाएगा। क्या माछ बेटा, किलो के थे? बोदरा माछ, बोदरा फिश। बड़ा बड़ा फिश है यार ये। और ये हमारे हीरो फिश ले लिया, ये देख रहे हो ना, ये छोटा फिश है। बड़ा बड़ा फिश लेकर क्या करेंगे, छोटा छोटा भी खाना चाहिए भाई, ठीक है, इस वजह से हम छोटा ले रहे हैं। और बहुत भीड़ इसलिए ही, यहाँ तो एंडिंग है धर्मगढ़ का, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा भीड़ है होगा आज, ठीक है, आज नहीं यार, पूरा लगभग इलेक्शन खत्म होने तक भीड़ होगा भाई। तो ये धर्मगढ़ का ट्रैफिक सिस्टम है, देख सकते हो ये भाई, ये अभी पूरी तरह से क्लोज किया गया है क्योंकि इलेक्शन की वजह से, रैली चल रहा है ना इस वजह से भाई। इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये ट्रैफिक रूल्स पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये है पानी ग्राही, यहाँ पर कुछ खाते हैं यार, ठीक है, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ मैं, और ये कल रात से नहीं खाया है, ये भी खाएगा। चलो भाई छोले भटूरे, लेकिन हम छोले भटूरे नहीं खाएंगे भाई। डोसा तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन एक चीज़ है, मतलब कि मछली खरीद लिया है, ठीक है, थोड़ा छोटा, वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से हमको जल्दी खाना है और जल्दी निकलना ही है इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। भाई यो डोसा हमारा ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, इसमें से नारियल चटनी और ये, ठीक है, पहले ठूसते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं भाई, बहुत भूख लग रहा है। ओके, हो गया भाई ब्रेकफास्ट, ग्रीन चटनी येलो चटनी होता है ना, ये सब नहीं है, सब भी चलेगा, नारियल चटनी फेमस है ना। दोस्तों काफ़ी भीड़ है मार्केट, ठीक है, मेन रोड पर थोड़ा सा कम है ट्रैफिक। ये भाई धर्मगढ़ का मार्केट, हर एक वेजिटेबल यार, कैप्सिकम से लेकर बीन्स भी मिल जाएगा भाई, जो कि धूप के महीने में थोड़ा सा कम मिलता है। और आगे अलग से एनिमल मार्केट जहाँ पर बकरी गाय भैंस ये सब मिल जाता है, ये है वेजिटेबल मार्केट, यहीं से स्टार्ट होता है भाई, अंदर बहुत बड़ा सा मार्केट है।
दोस्तों ये है धर्मगढ़ मार्केट, ठीक है थोड़ा सा आगे चलते हैं यार, आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रॉन प्रॉन देख सकते हो भाई, ये है ड्राई फिश वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेफ्ट साइड में। भाई ये आम को सुखाने के बाद ऐसे बेचते हैं, ठीक है ये सब सब्जी वगैरह भाई। और ये है हनुमान मंदिर। अच्छा कितना है क्या करी गाजर, काफी रेट है भाई। भाई काफी फ्रेश आम है यार, और बड़ा बड़ा भी। आम कितने? 40। मतलब कि ये दो वेरायटी है, ठीक है ये छोटा आम ये बड़ा आम, ये मतलब इससे ज्यादा ये टेस्ट लगता है भाई। आम फ्रेश है लेकिन यार दूसरे काम के लिए मैं आया हूँ, नहीं तो ले जाता भाई। आम बहुत पसंद आया मेरे को, ठीक है लगभग यहीं से एंड होता है भाई। और आगे देख सकते हो कपड़ा मार्केट है, वेजिटेबल पूरी तरह से भर चुका है भाई, ठीक है ये ग्रोसरी सामान मिल जाएगा हर एक चीज, साबुन से लेकर दाल चावल ये सब। मुड़ी भाई ये सब, भाई आगे देख सकते हो दुर्गा मंडप, ये है मार्केट का पूरी तरह से एंडिंग, यहीं से खत्म होता है और आगे नमक वाला फिश यहीं से एंडिंग होता है। और ये है दोस्तों भंडार घरणी मंदिर। चलो हो गया भाई, यहीं से थोड़ा सा आगे चलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो राइट साइड में स्कूल, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं से चलते हैं आगे भाई, आगे चलोगे यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई फिश और बड़ी वगैरह मिल जाएगा पूरा, राइट और लेफ्ट साइड में भी पूरा फ्रेश है यार, लेकिन ज्यादा रेट है भाई। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है कपड़ा मार्केट, जो कि अच्छा खासा रेट में मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है साड़ी वगैरह टी शर्ट पैंट पूरा मिल जाएगा भाई, पैंट वगैरह यार। क्या बोलो जो पैंट कहते एटा कहते 600 दवा रेट। भाई कपड़ा मार्केट भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये है चप्पल मार्केट, चप्पल शूज वगैरह मिल जाता है, शूज तो बहुत कम मतलब कि बेचते हैं, चप्पल वगैरह ज़्यादा मिलता है भाई यहाँ पर, ठीक है पूरा मार्केट घूम लिया भाई, एक राउंड घूम लिया। गाजर मेरे को लेना चाहिए ना, लेकिन आज नहीं लेंगे भाई। तो भाई मार्केट घूमना हो गया है, अब निकल रहे हैं घर को, ठीक है और ये लक्ष्मी बस है भाई, मैंने वीडियो देखा कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर, 3 से 4 गुना ज़्यादा, ठीक है दोस्तों 4 बज चुका है और मैं आया हूँ आम पेड़ की तरफ, ठीक है। और भाई बहुत ही मतलब कि आज तो हवा भी नहीं किया यार, और आम भी नहीं गिरेगा भाई, ठीक है। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करना पड़ेगा, मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो, अब नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।